अभी वो जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बच्चे प्रेजेंट मैम से मैडम को क्या पता चलता है आप सब लोगों ने क्या करना है कि अपने रोल नंबर जोन से है ना बच्चे, वो जिन लोगों का नल सेक्शन है वो कुछ उसके साथ टाइप नहीं करे और जिन लोगों का ए सेक्शन है वो अपने रोल नंबर टाइप करेंगे। ठीक है, सब लोग एक बार अपने रोल नंबर टाइप करें ताकि बाद में ये जो है उसामा और जैनब दोनों आपके सी आर्स हैं, एक नल का और एक ए का, तो वो लोग क्या करें, नल लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, बस ऐसे ही छोड़ दें, वो लोग क्या करेंगे वो फिर यहाँ से मुझे अटेंडेंस दे देंगे। अच्छा सी आर दोनों मौजूद है यहाँ पे, जैनब और उसामा? जैनब और उसामा बच्चे सी आर यहाँ मौजूद हैं, जैनब और उसामा अपना मुझे लिखें, यस नो करें मुझे पता चले। ओके जैनब, आप लोगों ने ये करना है कि जो रोल नंबर है इनकी लिस्ट बना लेनी है और मुझे वो सेंड करनी है। ये रिकॉर्डिंग में भी आपको बाद में ये जो चैट है वो साथ में अवेलेबल होती है और अभी भी आप चाहें तो अपना इसको नोट डाउन कर लें इनको ना, रोल नंबर्स को। अच्छा आप लोगों ने ये काम करना है, लास्ट एक हमारे पास जो स्ट्रेंथ टोटल होनी चाहिए वो तकरीबन 77 स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने सेशन किए हैं उसमें आपके पास 60 प्लस बच्चे गए हैं सिर्फ ना, एटलीस्ट जो 10 बच्चे हैं ना, 10 से 12 बच्चे वो मिसिंग थे। ठीक है, तो आपने ये करना है कि उन लोगों से भी कांटेक्ट करना है कि जिन लोगों ने अभी तक जो सेशन है वो अटेंड नहीं किए। मुझे सिर्फ एक बच्ची ने कहा था बाद में कि उसको पता नहीं चला या उसका कोई इशू था, वो मैं उसको एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन बाकी जो लोग हैं अगर आप लोग जानते हैं जो आपके इर्द गिर्द के स्टूडेंट हैं वो इसको अटेंड अगर नहीं कर पा रहे तो उन्हें बताएं कि इसी तरह से आपकी शॉर्ट अटेंडेंस पे भी आपका जो है कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। तो आज आप लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना है, आप इनकी लिस्ट बना लें कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी जो बच्चों की तादाद है वो 17-18 लोग सिर्फ एक तरह से आए हैं, पता नहीं क्या मैसेज इनको पूरा नहीं। मैंने तो कल आपको इसलिए कहा था कि आज 11 बजे तक आप रेडी रहे ना, तो उसके बावजूद ये है कि अभी हम अटेंडेंस का भी मैंने यही करना है कि फर्स्ट 10-20 मिनट्स के अंदर हम अटेंडेंस लिया करेंगे, उसके बाद फिर हम छोड़ देंगे उन चीज़ों को। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे प्लीज मैसेज करें कि आप लोग आ जाएं यहाँ पे ना, इस लिंक पे क्लिक करें जो गूगल क्लासरूम में है। बच्चे आप गूगल क्लासरूम से ही यहाँ पर आ सकते हैं, आप वहाँ पे जाने की कोशिश करें, वहीं पे आपके काम, जब वहाँ से आप इसको लिंक को क्लिक करते हैं कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको भी आपकी अटेंडेंस में शुमार किया जाता है। उसामा का मैसेज मुझे नहीं दिखा, उसामा आई थिंक अभी नहीं आया।
जी बच्चे, जिन लोगों के पास अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट हैं। अच्छा उसामा आ गए, ठीक है उसामा। उसामा आपने मेरी बातें सुनी कि आपने रोल नंबर जो से अपनी क्लास के हैं उनको आपने वो नोट करना है अपने पास, और फिर मुझे उनकी डिटेल देनी है। और जो बच्चे नहीं आ, किसको कनेक्शन प्रॉब्लम है उसामा, आपको या बाकी किसी और को? जिनको बच्चे को कनेक्शन प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इशू है या कोई और इशू है, अगर वो पहले कांटेक्ट नहीं करेंगे, कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे, तो वो एब्सेंट कंसिडर होंगे। एब्सेंट मीन कि आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। आप लोग जिनके आपके जो लोग बच्चे एक से ज्यादा बार अपने रोल, पता है 10 मिनट बाद रिकॉर्डेड वीडियो आ जाती है, वहां से भी पता चल जाएगा किसी का नहीं मिस होगा। आप एक बार अपना सिर्फ रोल नंबर लिखें, ताकि जिन्होंने नोट करना है उनको भी आसानी रहे, ठीक है? सिर्फ जिन बाकी अपना खाली रोल नंबर लिखें जो नल सेक्शन के हैं, और जो ए सेक्शन के हैं वो जस्ट आगे अपने रोल नंबर के आगे एक ए लिख दें, बहुत ज्यादा लंबी स्टोरियां नहीं डालें। और ईशा ने मुझे सलाम किया था, वालेकुम असलाम, सबको वालेकुम असलाम और असलाम वालेकुम, ठीक है जी? अब ये है कि हम मैं ये कह रही हूँ कि आप में से जितने लोग हैं जिनको अगर पता है कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको नहीं ज्वाइन कर पा रहे, या उनके कोई इश्यूज हैं, या आप आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर रहे, आप प्लीज उनसे सब लोग अपनी इसको सीआर स्पेशली, और जो बाकी लोग हैं वो अपनी इसको समझते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए बच्चे, प्लीज उन लोगों को कॉन्टेक्ट करें, उन्हें कहें कि अगर आपको कोई भी इशू है, या आप किसी वजह से पिछले लेक्चर अटेंड नहीं कर सके सेशन और अब आगे से कर सकते हैं, या जो भी इश्यूज हैं वो मुझसे राबता करें बच्चे। अदरवाइज आप लोगों की ये एब्सेंट मार्क होगी, और उसके बाद वही जो आपका रेगुलर क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। अब तो हमारे पास कुछ ऐसा है भी नहीं पहले कुछ, कि कोई आपकी कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके पास सामने आपको है, तो आपने उस चीज का मुझे बताना है। आप लोग जितने भी लोग हैं, तो अपने फ्रेंड्स को इधर उधर देखेंगे, कौन सा बच्चा है जिसने लेक्चर अटेंड नहीं किया उसके बारे में उसको बताएं, और ताकि वो आए और उस चीज को क्लियर करे अपने इश्यू को। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी मैंने आप लोगों को एक सैंपल क्विज भेजा था, वो सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, मैंने कुछ बच्चों का देखा था, और उसके बाद उस वक्त तक और बाकी आए नहीं हुए थे, तो बाकियों के मैं आज देखती हूँ कि क्या उनकी सूरत हाल होती है। उसमें आप लोगों को कोई, अब जी अब रोल नंबर सारे खत्म हों तो मैं अगली बार में, तो मैं चले ठीक है, मैं 2 मिनट जरा अभी हम बात नहीं करते। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि पहले दरमियान में और क्वेश्चन नहीं आए, पहले एक बार रोल नंबर खत्म हो जाए, तो फिर मैं ना वो करती हूँ आपकी अगली बात आपसे डिस्कस करती हूँ। बच्चे जो जो ज्वाइन कर रहे हैं वो फौरन प्लीज अपने जो रोल नंबर है ना वो टाइप कर दें, ताकि हम अगले अगला काम कर सकें। नहीं बच्चे, मैंने मानूर आपकी ईमेल अभी नहीं देखी, मैं अभी देख लेती हूँ। मानो आपकी तो मुझे ईमेल ही नहीं आई, किस एड्रेस पे आपने ईमेल की है मुझे? मानूर मेरे पास आपकी कोई बच्चे ईमेल अपीयर नहीं हुई।
बच्चे यही तो बात है। अभी ये कौन है वहाँ प्रोडक्शन वाला ना, मैं प्रीवियस लेक्चर में मेरी इंटरनेट एक्सेस नहीं थी। तो ये बच्चा आप मुझे बता रहे हैं, जब मैं आपको कह रही हूँ, आप लोगों को जब आपके पास कोई भी वो टेक्निकल इशू हो या कोई और इशू हो, अपना नाम भी तो बताए ना कि आप कौन है ना। प्रीवियस लेक्चर में ये जो वाह प्रोडक्शंस हैं, नाम बताओ ना अपना, इसको रीनेम करो या उस नाम से बच्चे ज्वाइन करो जिसका कोई नाम आपका हो ना। आप देख मुझे बता कौन है ये बच्चा। शेख हुज़ैफ़ा की यस, मुझे आपकी ईमेल आई थी। जी जो बाकी लोग हैं, मानूर की ईमेल नहीं है मेरे पास। आसिम, आपने पहले भी रोल नंबर टाइप किया था, आप दोबारा आपने क्यों कर रहे हैं बच्चे? ये मैं बता रही हूँ कि कुछ मिस नहीं हो रहा, अगर आपको नहीं भी दिख रहा तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है? हो रहा है। अच्छा बच्चे, अगर आप, मैं वही कह रही हूँ, जिन लोगों को किसी भी लेक्चर में कोई इश्यू होता है किसी भी किस्म का, तो बच्चे आप मुझे ईमेल करेंगे तो मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड आएगा ना, मैं उसको शो कर सकती हूँ कि ये फलां बच्चा था, इसको फलां टाइम पे इशू था और इसने मुझे बताया था। बच्चे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मुझे रिकॉर्ड चाहिए है कि अगर मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ और मेरे पास कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं है, तो मैं कैसे आपको करूँगी ना। आपको कोई भी जब टेक्निकल इशू होगा किसी भी किस्म का, या खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वट एवर कोई भी जो आपका इशू है, आप राइट अवे मुझे उससे इन्फॉर्म करेंगे, मीन्स ईमेल करेंगे, या आपका जो व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे चूंकि आप लोगों को हमने मैसेज अलाउ नहीं किया हुआ, तो इतनी जगहों पे बच्चे मुझे देखना, मेरे भी मसला होगा कि मैं एक बच्चे का वहां से रिकॉर्ड देखूं दूसरे का। तो राइट वे आप मुझे मेरा जो namika@gift.edu.pk, उस पर आप मुझे ई मेल करेंगे जो भी आपके इशू होंगे, ताकि जब मैं आपके अटेंडेंस मार्क करना शुरू करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास जो अटेंडेंस शो हो रही है उसमें तो 10 या 11 बच्चे 12 बच्चे ऐसे हैं जो कि उन नंबर है जो कि एबसेंट आ रहे हैं ना। तो ये तो बहुत बड़े आपके लिए मसाइल हैं, 2-3 लेक्चर इतने ढेर सारे लोगों ने छोड़ दिए हैं। जी जी बिल्कुल, आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं यहाँ से तो नहीं, मैं जो पता ना, आप मुझे अपने यूनिवर्सिटी के आईडी से ईमेल करेंगे कि मेरा ये इशू था और आपने कौन सा सेशन अटेंड किया है कौन सा नहीं किया, जिसमें नहीं है वो सिर्फ बता दें, मैं वहां पर आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। और वैसे प्लीज आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा करेंगे, ये नहीं है कि मैं एक बच्चे को कह रही ठीक है उसका इशू हो गया इंटरनेट का, तो अब जिस दिन आपका लेक्चर लेने का नाम मूड हो आपके, जी मैडम हमारा इंटरनेट का इशू था, तो इस तरह से आप नहीं करेंगे, ठीक है? अपने आप को अल्लाह देखते हैं, अपने आप को बच्चे इंप्रूव करें। हम पहले जिस दौर से गुजर रहे हैं, वबा के दिनों से हम गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे झूठ और ये जो दूसरी चीजें होती हैं कि हम काम नहीं करना चाहते हैं और किसी सहूलत से फायदा उठाना, ये बच्चे गलत बात है। अपने आप को रियलाइज करें, यही छोटी सी हम छोटी छोटी चीजें अपनी जात के अंदर से अगर ठीक कर लेंगे ना, तो हमें और कोई तकलीफों का मजारा सामना नहीं करना पड़ेगा। हर बंदा अपनी जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है, आपका ये फर्ज है, ठीक है? आप यहाँ मौजूद हो। हाँ, उसमें से अगर, क्योंकि फिर तो बच्चे क्या होता है, जब आप सहूलतों का जो आपको मिस यूज शुरू करते हैं, तो वो सबके लिए भी बंदा खत्म कर देता है कि नहीं भाई, हाँ यहाँ तो हर दूसरा बच्चा ये कहता है कि मुझे ये इशू हो गया, मुझे वो इशू हो गया। तो जिनको इशू हो सिर्फ बच्चे वो बात करें, अपने आप को देखें, आपका अल्लाह आपको देखता है, बंदा तो नहीं देख सकता, मैं तो नहीं जज कर सकता आप सच बोल रहे हैं झूठ बोलते हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। जो आपको एग्जैक्ट इशू हो आप डायरेक्ट वो इशू टीचर को बताएं कि मेरा ये इशू था, मैंने इस वजह से लेक्चर नहीं लिया। ये नहीं है कि अब हर बंदा इंटरनेट के इशू बना ले, भी क्या होगा, यूनिवर्सिटी ये तरीकाकार बना लेगी कि बस ठीक है हम ये इंटरनेट वाले इशू को नहीं मानते, जिनका एक दफा जो ऑनलाइन हुए थे अब उनको दोबारा इशू नहीं हो सकता। तो इस तरह से नहीं करें कि हर बंदा उसे करता रहे, हर कम 12 मिनट लेट है, हर कम की आधी अटेंडेंस मैंने लगानी है, नोट कर लो सामा, ये नहीं टाइम पे लेक्चर पे आता। ओके बच्चे, अभी हम बात कर रहे थे, अब अगर अटेंडेंस आप लोगों की पूरी हो गई है, तो अब हम बात करते हैं कि मुझे बताएं कि आप लोगों ने, तमाम लोगों ने क्विज जो उनसे है वो अटेम्प्ट कर लिया, कोई इशू तो नहीं था उसमें आपको, उसका मैंने आपको टाइम बाउंड दिया था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, उससे पहले में तो मैंने 15 मिनट दिए थे ताकि आपको अगर कोई नहीं कुछ समझने में कुछ क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको देख लेना कि किस तरह से आपने उसको टैकल करना है। नेक्स्ट टाइम क्विजेस हो सकते हैं थोड़े बिल्कुल इस तरह से हों कि आपको 1 मिनट सिर्फ मिले एक क्वेश्चन के लिए, अगर कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होगा तो हो सकता है उसका, वैसे तो 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है।
बच्चे जो लिंक आप लोग, अच्छा दूसरी बात ये कि जो भी आपका लेक्चर है ना, जो लिंक आपको सेंड किया जाएगा ना कि इस लिंक पे आप ज्वाइन करें सेशन को, उसी लिंक पे जो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो पे ले जाएगा, ठीक है। अगर खुदा ना खास आपका लेक्चर मिस होता है या आप लेक्चर में से कोई चीज अभी तो हम जब शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको दोबारा देखने की जरूरत पेश आए, तो जो चीज आप देखना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसी लिंक पे जी आपकी गूगल क्लासरूम में लिंक मौजूद होगा, जिस भी लेक्चर का आपको चाहिए होगा आप उसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आप दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो पे पहुंच जाएंगे। अब मैं ये क्या करूंगी, वैसे जब लिंक सेंड किया करूंगी ना तो लिंक के ऊपर मैं अनाउंसमेंट में मेंशन कर दिया करूंगी कि कौन सा लेक्चर है ये, तो फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो मौजूद होगी तो आप वहां से जाकर उसको फिर से देख सकते हैं लेक्चर को, ठीक है जी। अच्छा क्विज के हवाले से बच्चे आप लिख लें, मुझे कुछ बता दें कि किसी बच्चे के कोई भी जो है रिजर्वेशन है क्विज अटेम्प्ट करते हुए वो आप बता दें, क्योंकि आप जो है आपका अगला जो सा क्विज है वो नंबर्स का, वो जो कन्वर्जन वगैरह का मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था, वो हम शुरू करेंगे आज, उसका करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं आपको इसी वीक में उसका वो क्विज दे दूंगी। तो अगर लास्ट क्विज में आपके कोई इश्यूज हैं, जो आपका कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आई हो उसको सबमिट करते हुए, अच्छा ये टाइम बाउंड क्विजेज होंगे इसका याद रखें, अगर आप विद इन टाइम 1 मिनट पहले वो आपको बता देता है कि अब आपका 1 मिनट रह गया, वट एवर आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है टाइम, अगर 10 मिनट का क्विज है तो वो ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, फिर आप क्विज को सबमिट नहीं कर सकेंगे और ना ही आपको मैं वो उसको दोबारा उस क्विज के लिए अलाउ कर सकती हूँ, आपके लिए क्विज दोबारा नहीं बन सकता। तो इससे बचे विद इन टाइम आपने अपने क्विज को सबमिट करना है, सबसे नीचे आपने देखा होगा नहीं बच्चे, ये तो डिपेंड करेगा ना अमानूर के आप मैंने जो क्विज बनाया है वो कितने मार्क्स का है। अब आपके हमारे पास ऑनलाइन कुछ हमने एक तरह से समझे क्राइटेरिया, ये टाइम बाउंड करने का मकसद ही सिंपल इतना सा है कि आप दरमियान में किसी से पूछे नहीं, कोई डिस्कशन ना करें, कोई वो बच्चे जो उनसे कोई और तरफ ना जाना शुरू करें। बच्चे आपको क्या रिसीव नहीं हुआ हुरैरा, अगर आप गूगल क्लासरूम में हैं तो आपको क्विज मिला होगा, अगर आप गूगल क्लासरूम में नहीं हैं तो बच्चे फिर तो आपको क्विज नहीं मिल सकता। हुरैरा राजपूत आप किस क्लास के, भी आपको क्यों क्विज नहीं रिसीव हुआ? नहीं, अगर आपका नेट बंद हो जाएगा तो आपका क्विज रीलोड तो नहीं होना चाहिए, नहीं नेट इतना भी बच्चे अनरिलायबल नहीं होता जितना आप लोग बताते हैं, और अगर इन केस आपको कोई इशू होता है मैंने वही कहा ना कि आप मुझे राइट वे फिर आप मुझे कॉल कर दें, आप सब लोग मेरे पास अपने पास मेरा नंबर रखेंगे और आप उस वक्त क्विज को, क्विज जोन सा है और टाइम बाउंड से मुराद ये है कि जब जब आप, मैं उसका पूरा दिन रखूंगी, 24 आवर्स के लिए क्विज आपको अवेलेबल होगा, लेकिन आप पहले अपनी फिजिबिलिटी देख के कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपनी उसको को थोड़ा सा चेक करेंगे अपने इधर अपने इंटरनेट को किस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, अपने आप को थोड़ा सा सेटल करके फिर आप क्विज को ओपन करेंगे। बच्चे इतने ढेर सारे आपके क्विज होने हैं, मैं इसको भी काउंट कर दूंगी, डोंट वरी। तो ऑलमोस्ट हर वीक के बाद ही आपका एक क्विज हो जाया करेगा, तो इसका ये मतलब है कि हम इसको भी कुछ देख लेंगे, हमें इसकी, बच्चे मेरे पास भी पीटी सेल है यकीन करो, कभी कभार बंद होता है, लेकिन वो किसी एक का इशू होगा और कभी एक क्विज में होगा तो हम उसको सेटल कर लेंगे, उसकी आप फिक्र नहीं करें। जो हमारी कोशिश होगी, यूनिवर्सिटी की भी यही पॉलिसी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स किया जाए, आपके जो सारे इश्यूज हैं उनको कंसिडर किया जाए, तो जिस भी किसी बच्चे का कोई भी स्पेशल इश्यू होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं है, बस वही मैं कहती हूँ ना कि अगर बच्चे आप लोग जो आपको सहूलतें दी जा रही हैं, जो फैसिलिटेट आपको किया जा रहा है, अगर तो आपको मिसयूज नहीं करेंगे आप उसको बाकी लोग, तो सब लोगों को एडवांटेज होगा, लेकिन अगर किसी एक दो बच्चे ने एक दो बार उसको मिसयूज किया उस चीज को,
हमारा नेट बंद हो गया, हम नहीं काम, बच्चे नेट तो किसी भी जगह का किसी वक्त भी बंद हो सकता है ना, ये मशीन है कोई जाली कोई और चीज़, तो बंदा बंद हो जाता है जिस टाइम अचानक ख़त्म हो जाता है, तो चीज़ें तो बाकी इंटरनेट तो उससे भी गई गुजरी चीज़ है। तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, मैं सिंपल ये कह रही हूँ सब लोगों का, सब सिर्फ क्विज के टाइम पे कोई इंटरनेट बंद नहीं हो सकता, ठीक है, जो बातें वो करने वाली होती है ना उसको रियलाइज कराने की आपको कोशिश कर रही हूँ। हाँ किसी एक को, अगर मेरे पास 77 की क्लास है उसमें हो सकता है कि दो लोगों को किसी एक क्विज में इश्यू हो जाए, ठीक है, किसी दो को दूसरे में हो जाए, और हो सकता है कि कभी किसी को ना हो, ये वो है जो नॉर्मल है जो पॉसिबल है। लेकिन ये कि जैसे क्विज आए जी आप कहें जब 10 लोग मुझे ईमेल करते हैं कि हमारा इंटरनेट बंद हो गया था, तो बच्चे उसको पता क्या नुकसान, उसमें एक तो सच्चा होगा बाकी उन 9 की वजह से ना जो सच्चा था उसको भी 0 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको सिंपल ये कह रही हूँ कि बहुत से हमारे क्विज होने हैं, हम कुछ भी उसके अंदर अपनी उसको करके आपकी ग्रेडिंग को अच्छा करने की इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप प्लीज झूठ से झूठ नहीं बोलेंगे और मिस यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे इस फैसिलिटी को कि यस आपके पास इंटरनेट किसी वक्त भी बंद हो सकता है। फिर जिसका इंटरनेट बंद हुआ करेगा जब वो मुझे कॉल करेगा मैं फिर राइट अवे उसका ना वाइवा लिया करूंगी, और अगर आपने मुझे राइट अवे कॉल नहीं की तो फिर मैं उस चीज को कंसिडर नहीं करूंगी। आप मुझे राइट अवे बताएंगे कि मैंने क्विज ओपन किया हुआ था और मेरा इंटरनेट बंद हो गया है, मैं क्विज से रिलेटेड जितना भी सिलेबस होगा उसका वहीं पे फोन से या उसको मैं उसका व्हाट्सएप पे उसका वाइवा ले लिया करूंगी ताकि मैं उसको लगा लिया करूं, ठीक है जी, कॉल तो नहीं बंद होगी ना, अचानक पैसे तो नहीं खत्म हो जाएंगे। इस चीज को आप लोग नोट कर लें, जब आपको क्विज मिलेगा क्विज का आपका टाइम 24 आवर्स का होगा, लेकिन जब आप क्विज को ओपन करेंगे तो आपके पास 10 या 15 मिनट होंगे उस क्विज को सॉल्व करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द क्विज। बच्चे आप लोग, मैं गूगल क्लासरूम में अपना फोन नंबर भी दे देती हूँ, इसके अलावा जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बनाए आपके सीआरस ने उसमें भी मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल करेंगे कि मैडम हमारा जो है वो इंटरनेट में वो कर रहा था, मेरा इंटरनेट बंद हो गया है, तो अब आप मुझे ना वो कर लें, तो उसको हम इस तरह से सेटल कर लेंगे। अच्छा जी, और जब तक जिन लोगों का अभी तक बंद नहीं हुआ ना वो प्लीज फजूल उस चीज को ना बढ़ाने की कोशिश नहीं करें, बस उसका जो हम डिसीजन था वो हम कर चुके हैं, अब उस पे नो मोर डिस्कशन, ठीक है जी। ओके अब हम क्विज वाली बात भी हमारी एक हो गई है, अब आप लोगों ने एक और काम क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को भी आप इम्प्रूव करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे पास अब 1-to-1 और तो कोई ऑप्शन है नहीं है। आप लोगों ने अपने सेलफोन से एक अपनी 1 मिनट की वीडियो बनानी है, ठीक है जी, उस वीडियो को आपने पोस्ट करना है, आपने सीआर को किसी को देंगे तो वो उसे ग्रुप पे लगाएगा, या आप में अलग से भी आप हम बना लेंगे या इसी में ही गूगल क्लासरूम में हम अपलोड कर लेंगे उस चीज को, मैं उसका रीजन आप उसको बाद में बताऊंगी कि हमने उसको अपलोड कैसे करना है। 1 मिनट का आप अपने ऊपर रखेंगे जहां पे आप क्लियर कट नजर आते हैं, आप अपना इंट्रो देंगे कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सेक्शन कौन सा है, ठीक है, और कोई भी बात जो आप 1 मिनट के अंदर अपने तारुफ में, ठीक है, वो बताना चाहें वो करेंगे, फॉर्मल होगा कोई मजाक या कोई इस चीज़, बच्चे आप लोग जोकर नहीं है और जोकर ना बना करें ना हर बात पे उसे करना। 1 मिनट की ये आपकी असाइनमेंट है, ग्रेडेड असाइनमेंट होगी कि आपने 1 मिनट का अपना एग्जैक्ट 1 मिनट के 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएंगे और ना ही 1 मिनट से पहले बंद करेंगे, अस्सलाम वालेकुम मैं फलाऊँ और बच्चों की वीडियो खत्म हो गई, ऐसे नहीं, वीडियो बनानी है आपने अपने सेलफोन से, वही जो आप बनाते हैं अपनी तरफ मुंह करें और उसका आप कैमरे का और अपनी आप वीडियो बना दें कि आप कौन हैं, अपना नाम रोल नंबर सेक्शन और अपने बारे में कि आपने कहाँ से क्या किया है या आगे आप क्या करना चाहते हैं, पूरा 1 मिनट पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लें कि 1 मिनट में आप कितनी बातें बोल सकते हैं, वो करके ये सब लोग अपने पास ये वीडियो बना लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ पे मैं इसको कलेक्ट करूंगी। इसका रीजन ये है कि मैं करूं, बच्चे ये लेक्चर ही चल रहा है, अगर आपको ज्यादा कोई टेंशन है यू कैन लीव, ठीक है,
आप ये वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो जो सी है जहां पर मैंने उसको करना है आपसे अपलोड करवाना है वो बता दूं, उससे ये होगा कि मैं एक बार आप तमाम लोगों को बाय नेम उसका या बाय फेस जो उनसे वो देखना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मुझे आइडिया हो कि मैं किन लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप थोड़ी सी एक वो मेमोरी में जो आप लोग मैसेज करते हैं या मैं आप लोगों के नाम देखती हूँ, तो अब इतना टाइम है कि मेरे पास मोस्टली लोगों के अब फेस मेरे उसमें नहीं है ना, तो वो मैं उस चीज को देख सकूँ। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है और इसके मार्क्स होंगे, ये ग्रेडेड असाइनमेंट है। ठीक है जी, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, जो लोग कहते हैं मेरे पास वो नहीं है, मोबाइल नहीं है, आप लोग ना जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन आप लोग नहीं सुधर सकेंगे, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप जो अपनी वीडियोस बनाते हैं या जो जिस चीज जिस भी डिवाइस पे आप यूट्यूब को देखते हैं, या ऐसा करें बाहर निकल जाएं 1 मिनट के लिए किसी बाहर किसी बंदे से लेके अपने लिए कर लें, जो भी असाइनमेंट आपको दी जाती है आपने आपका लोगों का ये एक वो है, आप ना अपने आप को दरअसल एक नॉर्मल इंसान नहीं समझते, आप समझते कि आप शायद जोकर हैं। ठीक है, आप पूरा दिन देखते हैं आप ऐसी चीजें हैं ना, जो चीजें आप लोग देखते हैं पूरा दिन टीवियों पे उन चीजों पे जिसमें सिर्फ मजाक और वो लगा रहता है कि आप ना वो लगे हुए हैं जुगत जुगते लगाने एक दूसरे को, तो आपको लगता है कि शायद आप वैसी ही कोई चीज है, हर बात पे आप कोई ना आगे से इस किस्म का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं कि मुझे यूं लगता है कि मैं बस ना वो जोकरों से मुखातिब, वो स्टूडेंट से मुखातिब नहीं हूं। कुछ अपने आप को रियलाइज करें, सेंसिबल हो। ओके जी, मुझे बताएं कि आप लोगों ने IACT में नंबर सिस्टम या उसकी कन्वर्जन की हुई है? उसामा और जैनब, CR जवाब दें मुझे कि आप लोगों ने IACT का जो अपना कोर्स पढ़ा था उसमें नंबर सिस्टम्स और उनकी कन्वर्जन को किया हुआ है? चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आज का जो उनसे हमारा आधा काम है वो तो यहीं से ही सॉल्व हो गया कि आपने उसको किया हुआ है, अब जस्ट मैंने आपको थोड़ी सी उसकी हम करेंगे उसके साथ एक रिवीजन करते हैं, और उसके बाद ये है कि आप उसको क्या करेंगे अपना आप क्विज के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, लास्ट टाइम ये वही सारी डिटेल है कि जो कि आपने इस वाले फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट्स हैं, इसको हम तकरीबन 1 या 2 दिन में या इसको साथ साथ करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक भी एक्चुअली स्टार्ट कर देंगे बुलियन अलजेब्रा का, ताकि हमें थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए कि हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। ठीक है जी, ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ये वही सारी डिटेल है, इसको आप जानते हैं, अभी मैंने आपको एक जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं आपको एक ब्लॉग भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसमें यही डिस्कशन है कि अभी इस बाकी बच्चों ने कन्वर्जन पढ़ी हुई है। ठीक है, गुड, ठीक है जी, अब आपके पास हमने कुछ थोड़ा सा डिजिटल को डिस्कस किया था, और यही सारी जो डिस्कशन है ना जिस स्लाइड पे आपको नजर आ रही है इससे रिलेटेड मैं आपको एक दूंगी, ये वाली स्लाइड आपको हेल्प करे शायद उसको उसको जो आपका ब्लॉग है उसको आंसर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इस स्लाइड को आप जब मैं आपको ब्लॉग सेंड करूंगी, ये आपकी तीसरी स्लाइड है, इसको आप तब देखेंगे तो आपको इसका एडवांटेज होगा। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है जी, अब एनालॉग सिस्टम को जो हमने किया था कि हमने कहा कि हमारे पास कुछ जो सिग्नल्स होती हैं, जो कुछ वैल्यूज होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, ये जो रेड लाइन आपको मेरा कर्सर दिख रहा है बच्चे, ये वाला ये जो रेड लाइन है अगर आप देखें तो आप इसको कंटिन्यूस ही कहेंगे ना, कहीं पर आपको कोई इसमें गैप नजर नहीं आ रहा, तो दिस इज योर कॉन्टिन्यूस लाइन, तो ये जो इस किस्म की जो वैल्यूज होती हैं जो चीजें होती हैं,
ठीक है जी। बच्चे मैं किसी एक बच्चे के लिए नहीं कह रही हूँ, आपको क्लास में अगर टीचर ने करवाया है IACET की क्लास में आपको नंबर सिस्टम, विच मीन्स कि वो सबने किया होना था। अगर आप किसी को नहीं आता तो ये कैसे हो सकता है कि क्लास में सारे बच्चों ने कर लिया नंबर कन्वर्जन और कोई ये कहता है जी मुझे नहीं आता, आप उस क्लास का पार्ट नहीं थे क्या? एनीवेज हम यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं उसको भी आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी डिस्कशन कर देती, लेकिन चूंकि आप लोगों का ये इसका IACET का ये ऑलरेडी पार्ट था तो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा सकती, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है जी, ओके। अभी मैं बात कर रही थी कि हमारे पास जो कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ क्या आप जिस दुनिया में रहते हैं ना, आपके पास जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनमें डिस्क्रीट कुछ नहीं होता। अगर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, आप जिस वक्त में देखेंगे आपको टेम्परेचर की कोई ना कोई वैल्यू मिलती है, जंप्स नहीं होती हैं उसके अंदर। इसी तरह से आप लाइट की इंटेंसिटी को देख लें, उसके अंदर जंप्स नहीं होती। सब चीज़ें बेसिकली जो भी आपके इर्द गिर्द हैं वो सब कुछ कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन जो चीजें आप यूज करें इस वक्त जिस दुनिया में आप रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज डिजिटल वर्ल्ड। हम क्या करते हैं उसी अपने कॉन्टिन्यूस सिग्नल को एक्चुअली डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें उसके डिजिटलाइज करने के या डिस्क्रिटाइज करने के चीजों की डिस्क्रीट वैल्यूज के अपने एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इसको करते हैं। तो ये जो रेड लाइन है हमारे पास दैट इज योर कॉन्टिन्यूस सिग्नल, और इसी सिग्नल का अगर आप इसको देखें तो ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल है, जो गोल्ड डॉट्स है ना रेड वाले, ये आपका डिस्क्रीट वैल्यूज इसमें आ रही है। ठीक है, बच्चे जो है ना लेक्चर नहीं ले सका तो हमने इसको नहीं किया हुआ। मैं IACET का कोई लेक्चर मोबाइल पे नहीं होता था, वो क्लास में होता था। अगर आप लोगों को भूल गया हो तो वो ये है कि वो आपके पिछले जो आपका वो था सेमेस्टर था उसमें हुआ था। ठीक है जी, ये आपका अब होता क्या है, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यू है तो ऑफकोर्स कॉन्टिन्यूस सिग्नल है तो आपके पास आप मुझे कोई ना कोई वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी सी पीक बनी है, जो पीक यहाँ मिसिंग है इसको आप यूँ भी मिला सकते हैं ना, तो जबकि असल में यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी एक पीक है। तो आप क्या करते हैं, मैं इस जगह पे जहाँ पे डॉट नहीं है, कर्सर मेरा वहां पर है जहां पर डॉट नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप मुझे कोई वैल्यू बताएं, तो बच्चे यहाँ पर आप वैल्यू नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये डिस्क्रीट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास वैल्यूज नहीं होती हैं, लेकिन जब अगर कोई यहां पर लेट्स सपोज मैं ये दो डॉट रिमूव कर दूं तो आपके पास ये जो पीक है ये मिस हो जाती है। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि बजाहिर देखने में आपको ये लगता है कि जो आपका एनालॉग सिस्टम है दैट इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि इसमें हर हर वैल्यू मौजूद है, और जो आपका डिस्क्रीट सिस्टम है इसमें अगर मैं लेट्स सपोज इन दो डॉट्स को मिटा दूं तो आपके पास ये जो पीक है ना ये वाली पीक, ये पीक मिस हो जाती है। ठीक है, तो बजाहर अभी हम अपेरेंट बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है और इसको लेस एक्यूरेट होना चाहिए है जो डिजिटल सिस्टम है, लेकिन होता क्या है जब अगर मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट कहूँ ना सब बच्चों को कि आप यहाँ वैल्यू निकालें, तो चूंकि वैल्यूज इतनी करीब है यहाँ पर कि आप सब लोग शायद एक एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं एंड अप होंगे, आप क्या करेंगे, आप किसी की वैल्यू आएगी 3.25 आ जाएगी, किसी की 2 3.1 आ जाएगी, मतलब डिफरेंट वैल्यू, और 3 तो सबका शायद सेम रहेगा, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो कॉन्टिन्यूस सिस्टम में वैल्यूज इतनी पास है कि आपकी एक्यूरेसी जोन सी है अब क्या हो रही है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। लेकिन अगर आप डिजिटल साइड पर आ जाए और आप अपने जो अपनी इंफॉर्मेशन है उनको स्मॉल इंटरवल्स पे लें, बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पे लें, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। एक तो ये कि इस पे एग्जैक्ट आपको पता होगा ये वैल्यू किसकी है, आपने इस तरह से इनको डिजाइन किया कि यहाँ पर पीक जोन से वो मिस भी नहीं हो रही है। तो आप क्या करते हैं, हम डिजिटल को जब यूज करते हैं तो एक्यूरेसी के लिए हम बहुत बड़ा डेटा सैंपल लेते हैं, हम ये नहीं करते हैं कि दो दो या तीन वैल्यूज लेके हम उस पर अपना जी प्लॉट ड्रा कर दें तो प्लॉट कुछ का कुछ बन जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने रियल सिस्टम को, अपनी नेचर को डिजाइन करना चाहते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं, उनको डिस्क्रिटाइज करते हैं, उनकी डिस्क्रीट वैल्यूज को अगर आप सिग्नल्स को लेना चाहते हैं अपने सिस्टम को इनपुट देने के लिए, तो आप छोटी वैल्यूज नहीं लेते हैं, आप ढेर सारी रीडिंग्स आपकी होती है।
ठीक है बच्चे। अब जैसे आपको एक्सपेरिमेंट करती हैं तो आप कहते हैं, आप शुरू में आप करते हैं तो हमसे कहते हैं 3 दफ़ा रिपीट कर लो, 4 दफ़ा रिपीट कर लो। ये जो है ना, ये आप डेटा इकट्ठा करते हैं कि जब मुख्तलिफ टाइम पे आप मुख्तलिफ रीडिंग लेंगे तो आपके पास थोड़ा सा फ़र्क आएगा उस रीडिंग में, और फिर सबको आप जब इकट्ठा करेंगे, सम टाइम आप एवरेज ले लेते थे तो उसका यही मतलब होता है अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना। ठीक है जी। तो ये हमारे सिग्नल्स हैं जो जब हम एनालॉग सिस्टम यूज करते हैं, जो आपके पास एनालॉग किस्म की जितने भी सिस्टम्स होते हैं, ये आपका असाइनमेंट में आई होप कि मैंने डिजिटल वर्ल्ड में पूछा होगा, नहीं अगर हुआ तो आप इसको गूगल क्लासरूम में इसको पोस्ट कर सकते हैं, या मैं उसमें ही क्वेश्चन को पोस्ट करूंगी, आप उसके फिर आंसर में जो आप उसका अपना लिख लीजिएगा कि जो आपके पास कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको आप कहें कि ये एनालॉग सिस्टम्स हैं। एनालॉग सिस्टम का मतलब ये है कि वो आपकी कौन सी इनपुट ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूस इनपुट ले रहे हैं आपकी, और कौन से आपके ऐसे सिस्टम हैं जो डिजिटल हैं, जो कि डिस्क्रीट वैल्यू लेते हैं, उसके बाद आपको फिर उस तरह का रिजल्ट मिलता है। ठीक है। जो पिछली स्लाइड थी वो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ी, वो आप उसको रीड करेंगे, देखेंगे कि उसमें किस चीज़ का मैंने हवाला दिया है, उससे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी स्लाइड से आपको हेल्प मिलेगी जो ब्लॉग वाले पेज में आपको सेंड करूंगी कि उसका कमेंट करने के लिए कि आप उसमें से क्या चीजों को देख रहे हैं। ठीक है बच्चे। आपके पास जो आपका कंप्यूटर है या जो भी आपकी कंप्यूटराइज चीजें हैं, जो भी आपकी बिजली पे चलने वाली चीजें हैं, बिजली आपकी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी स्टेट्स में काम करती है, कोई आइडिया है आप लोगों को कि क्यों हम ये डिजिटल बाइनरी और नंबर्स के पीछे पड़े हुए हैं, डिस्क्रीट चीजों के पीछे पड़े हैं। यस वाच बच्चे, अगर आप वाच खाली लिखेंगे तो मैं तो उसको कुछ भी, वाच तो अब आपकी देखे ना डिफरेंट टाइप्स की है ना, आपको बताना पड़ेगा किस वाच की आप बात कर रहे हैं। वाच दोनों में पाई जाती है, वाच एनालॉग भी है, वाच आपकी डिजिटल भी है। अगर आप इर्द गिर्द देखें तो आपको शायद ज्यादा डिजिटल ही देखती होंगी। ठीक है बच्चे। मैंने आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है अर्कम, के आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी स्टेट्स में काम करती है, आप बता सकते हैं कि क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह से हमारी काम, हम कैसे उसको जानते हैं, ओनली टू कौन कौन सी। कौन कौन सी दो स्टेट्स हैं जी, आप अगर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की दो स्टेट्स हैं तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो। 25 वोल्ट, 25 वोल्ट हो गया, 50 वोल्ट हो गया, क्या -25 वोल्ट हो गया, क्या बच्चे, टू स्टेट्स हमने डिसाइड कर लिया ना। ओ माय गॉड, एसी डीसी नहीं है भाई, मैं एसी की बात कर रही हूँ, टू टू स्टेट्स नहीं है एसी डीसी जोन सी है। मैं कह रही हूँ बिजली आपकी क्या होती है बच्चे, ऑन ऑफ। एग्जैक्टली हीरा अर्शद जी बच्चे, बिजली या तो आपकी होती है या नहीं होती है, या दरमियान की भी कोई स्टेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, ऑन ऑफ के अलावा भी आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं कहीं पे, क्योंकि कोई अगर दरमियानी स्टेट आप ढूंढ लें तो क्विज का मसला भी हल हो जाएगा, फिर इंटरनेट की भी कोई ना कोई दरमियानी स्टेट आपको मिल जाएगी कि वो ऑन ऑफ के दरमियान में कुछ होगा था, हम कहेंगे आप उस वक्त जाके उसको कर ले। माँ सदके जाइए तैयबा गोहर को बच्चे, अभी तो हम लॉजिक स्टेट से पहुंचे हैं, अभी तो पता ही नहीं कि लॉजिक क्या होता है। ये बच्चे मेरा लेक्चर है, आपको पता है ना, हम अपने लेक्चर में बड़े आराम सुकून से किसी जिस लफ्ज को हमने यूज नहीं किया होता, जिसको हमने पढ़ा नहीं होता, जिसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम उसके साथ तो चीजों को डिस्क्राइब नहीं करते। अभी मैं ये सपोज करती हूँ कि हमें, मुझे और आपको लॉजिक का नहीं पता कि व्हाट इज लॉजिक, हम लॉजिक पे भी हमने आना है। ठीक है, हम अभी बहुत सिंपल बातें कर रहे हैं, कोई हम उसमें नहीं है कि जाएं हम मुश्किल बातों की तरफ ना जाया करें, मेरे कोर्स में एटलीस्ट हम बहुत सादे सिंपल बातें करते हैं। ठीक है बच्चे, आपकी जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जब आती है तो आप इसके बारे में और कुछ नहीं जानते हैं, सिवाय इसके कि आपका एक स्विच लगा हुआ है, आप उसको वैसे ऊपर नीचे तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि कोई उल्टा स्विच भी लगा सकता है, एक जगह आप अपने बटन को प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, दोबारा आप जब उसको प्रेस करते हैं तो आपकी जो सी है क्या हो जाती है, अंदर से जोकर ना बना करें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि और ड्यूरिंग लेक्चर बी सेंसिबल। ठीक है जी, अभी हम कोई मजाक के मूड में नहीं है, जो पूछा जा रहा है ना बच्चे उसका थोड़ा सा समझ के साथ जवाब दें। जो बिजली है आपकी, जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घर में यूज करते हैं, हमें उसका यही होता है कि बिजली है या नहीं है, ऑन है कमरे की लाइट या ऑफ है।
ठीक है, आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, बिजली पे चलता है ना, बिजली आपके राउटर को अच्छी बिजली चाहिए होती है ना, तो आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बेसिकली दो ही स्टेट्स आती हैं। इसलिए हम बाइनरी के पीछे पड़े रहते हैं कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो भी कैसे काम करते हैं, ट्रांजिस्टर्स पे काम करते हैं ना, तो उनकी बस एक ही आपके पास अब देखते हैं वो है, तो उसकी आप उसको दो ही स्टेट में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑन या ऑफ। उन्हीं के ऑन ऑफ कॉम्बिनेशन से फिर हम बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। देखने बच्चे देखें, ये ना अल्लाह ताला की बनाई हुई नेचर है, जो यूनिवर्स है ना, अल्लाह पाक उसकी तख्लीक को अपनी तौहीद के सबूत पे पेश करता है, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं हो सकती है। अल्लाह पाक चाहता तो बगैर किसी उसके ना, हमें कोई भी हमारे पास डिटेल्स ना होती, लॉजिक्स ना होती, तो वो भी चीज़ों को बना सकता था, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि अभी हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, तुम्हारे अंदर से भी और तुम्हारे आसमानों से भी ना, मतलब इर्द गिर्द से भी तुम्हें सब तरफ से उसकी निशानियां दिखती हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने अंदर गौर करते हैं तो भी आपको निशानियां दिखती हैं। उसी तरह ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, बाजार हम कहते हैं यार एक जो चीज हो जिसकी सिर्फ दो स्टेट्स हैं, ऑन या ऑफ, वो हमें क्या दे सकती है, वो चीज हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आप अभी हम इस कोर्स में इन्हीं चीजों को देखेंगे, कैसे आपका जो सिग्नल है, ऑन सिग्नल हो गया ना एक तरह से, आप मैं बोल रही हूँ तो ये आपको एक सिग्नल जा रहा है, तो हम सिग्नल इस सेंस में चीजों को कहते हैं ना, कि जो इंफॉर्मेशन आप पास करते हैं दैट इज योर सिग्नल। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि आपके पास अगर एक स्टेट ऑन है दूसरी स्टेट ऑफ है, तो आप उसको किस तरह से उसके कॉम्बिनेशन बना के एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, अब आप देखिए आपके कंप्यूटर्स हैं, हम मैं कहाँ बैठी हूँ, आप सब लोग कहाँ बैठे हैं, हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इवन देखा जाए तो हमारे पास बहुत कोई हाई फाई सिस्टम्स नहीं है, उसके बावजूद अगर आप देखें तो टाइम लैग जो उनसे हमारे पास वो लेस देन 1 मिनट है, मे बी मेकअप 30 सेकेंड्स का शायद है, मैं कोई बात पूछती हूँ तो आपको उतना टाइम लगता है, मतलब थोड़ा सा एक टाइम लैग है, तो ये एक इम्प्रेसिव फीचर है ना। तो आप देखें ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस बनी हैं आप तक, हम जितने जिस डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो हमारा जो वर्ल्ड है बच्चे वो एनालॉग है, हमारे पास तमाम सिग्नल कॉन्टिन्यूस होते हैं, लेकिन जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनको हम यूज करते हैं, जिनकी बेस पे हम एक कंफर्टेबल या हमारी लाइफ में जो ईज आया हुआ है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो उनसा है, अगर आप उसको पिन डाउन करते चले जाएं तो आप सिर्फ दो एक स्टेट पे पहुंच जाते हैं, वही बाइनरी से 0 1 हो गया या ऑन ऑफ। अभी हम सिर्फ अगर हम 0 1 को फिलहाल निकाल देते हैं, हमें शायद अभी नहीं पता, हम सिर्फ ऑन ऑफ पे लेके चलते हैं उस चीज को, सिर्फ दो स्टेट्स हैं, कोई चीज बिजली की जितनी चीजें ऑन है या वो ऑफ होती है, ठीक है, बिजली है या नहीं है, तो इन्हीं का जो आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहां पे, जिसको आप कहते हैं ना लॉजिक, आप कहते हैं जब आप इस लॉजिक को यूज करते हैं, लॉजिक है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट जब करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, किस कैसे आपके कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनते हैं। आप अपने अगर अपनी लैब में आप कह रहे थे हमने लॉजिक गेट्स को शुरू कर दिया, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से सिंपलेस्ट दो इनपुट है, यस नो, ऑन ऑफ 0 1, और उससे आप जब इन्हीं के आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं डिफरेंट, तो आप कितने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पे एंड अप होते हैं, और अभी भी सिस्टम रुका नहीं हुआ, ही चल रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको एनालॉग की बात करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम नंबर से बचे। अब 0 और 1 की बाइनरी में क्या अहमियत है ना, बाइनरी सिस्टम से मुराद कही नहीं कि कोई चीज बिल्कुल एक चीज 0 है और एक चीज, इसका मतलब है यस नो, ट्रू फॉल्स, लो हाई, ये इस किस्म की टर्म्स में हम 0 और 1 को लेते हैं, कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस आपके पास, दो एक्सट्रीम आपके पास आ जाती हैं, स्टेट्स आ जाती हैं। मैं पहले एनालॉग होता ज्यादा, लेकिन अब ज्यादा बच्चे पहले, और आपकी बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जब जहां पर आपके पास जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपके पास एक्चुअली आपने चीजों को जब आपने डिजिटलाइज करना शुरू किया तो आपने देखना है, यही तो इम्प्रूवमेंट है, यही तो जब आपका कंप्यूटर कहाँ से आता है, ट्रांजिस्टर बनने से आप उसके आगे चले हैं ना, तो चीजों में जब चेंज आता है, आपको एक नई कोई डिस्कवरी होती है, तो फिर आप उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और वो चीजें देखें कि आपने यही गौर करना है कि उन चीजों ने आपके वर्ल्ड को रेवोल्यूशनलाइज कैसे किया है,
ठीक है, यही चीजें। अब ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं एनालॉग के साथ भी वही सब चीजें कर लूँ, वही काम मेरे हो जाएं जो कि मेरे साथ अब डिजिटल उसके साथ होती है। तो ये यही डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसी डिफरेंस को इस वीक में आपने ढूंढना है, डिस्कस करना है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको गूगल करें, सर्च करें उन चीजों को। मैं अभी आपको एक ब्लॉग दूंगी, उसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है। उसमें आपने कुछ कमेंट करने, वो आपके असाइनमेंट में शुमार होगा। एक पहली आपकी असाइनमेंट मैंने आपको दी है कि आपने अपनी एग्जैक्ट 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। वो कहाँ अपलोड करना है वो मैं आपको गूगल क्लास में बता दूंगी। दूसरी आपकी असाइनमेंट अभी ये हो जाएगी डिजिटल वर्ल्ड वाली, उसमें आपने कमेंट करने होंगे। मुझे याद नहीं बच्चे, मैंने बहुत अच्छा पहले बनाया था उसको, कि उसमें को क्या मैंने आपसे पूछा, बट अगर जो भी उसमें पूछा होगा आपने उसको आंसर करना है, ठीक है जी। ये आपका काम हो गया। ओके, ये हमारे थोड़ी सी हमने जो डिस्कशन की है एनालॉग और डिजिटल की, कि आपको थोड़ा सा पता चले कि सिस्टम आपका बेसिकली जो आपके नेचर है वो आपको इस किस्म का सिग्नल दे रही होती है, लेकिन आप इसको डिस्क्रीट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को आप देख सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास अब हम वही जो डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास जो 0 1 है, जो बाइनरी है, ये जो दो वैल्यूज हैं, इनका मतलब ये नहीं कि हम अपने मैथ्स का 0 यूज करते हैं या अपने मैथ्स का 1 यूज करते हैं तो ये 1 हो गया। ये बेसिकली सिम्बॉलिक है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, कि ये फॉल्स और ट्रू भी लॉजिक जिसको हम कहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं एक चीज को अगर 0 दे रही हूँ तो मैं उसको साथ में बताती हूँ कि 0 का ये मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है ये फॉल्स है। ये भी हो सकता है कि जो मैंने तुम्हें वैल्यू दी है ये लो वैल्यू है, ठीक है। ये जो मैंने तुम्हें वैल्यू दी है इसका कोई मतलब वो क्या हो सकती है, हाई, और इसका मतलब ऑफ है, ठीक है। ये 0 और 1 जो होता है इसको आप मैथ्स के साथ उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, ब्लॉक कौन सा था वो आपके पास ओपन होगा, वो चूंकि जो आपके बच्चे असाइनमेंट है ना, आपको पता है कि आपके असाइनमेंट की जो टाइमिंग होती है वो चलती है मतलब 1 वीक की हो गई या 2 दिन की हो गई। कोई छोटा होगा तो हो सकता है कि वो एक दिन का मैं टाइम दे दूं, 2 दिन का दे दूं। जो क्विज है ना आपका, सिर्फ क्विज कौन सा वो आपका टाइम बाउंड है, बाकी जो असाइनमेंट तो सब ओपन है, उसमें 1 2 दिन का टाइम हो सकता है। अगर आप नहीं कर पाए हैं आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लें जो टाइम उसकी असाइनमेंट को होगा। लेकिन बच्चे मैं आपको बार बार कहूंगी कि आपने उसको करना है। बच्चे आपके नाम जैसे अभी जो आपका वफादार, अभी जो आपको मैसेज ऐसे आ रहे हैं आपके नाम के साथ अपियर हो रहा है, तो ब्लॉग में भी होता है जब आप कमेंट करते हैं तो आपका नाम अपियर होता है। तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपका नाम आपने कोई और रखा हुआ है और उसमें जो आपने उसको सब्सक्राइब किया था उसको पता नहीं उसके ऊपर सब्सक्राइब कर आता है, मैंने इसलिए कमेंट करके नहीं देखा कि उसके ऊपर कमेंट करते हैं, ऑफकोर्स आपको कोई ना कोई लॉग इन चाहिए होते हैं, तो उसमें आप साथ में अपना रोल नंबर भी, जब आप उसका आंसर करने लगे कमेंट तो उसके ब्रैकेट में आप अपने नाम के सामने अपना रोल नंबर लिखते हो, सेक्शन ए नल है तो कुछ ना लिखिए, और अगर ए सेक्शन है तो ए लिखते हैं उसके ब्रैकेट में ना इतना सा, तो मुझे होगा कि ये आपका आ रहा है। तो अगर आप बस मुझे आपको मैसेज ये आप समझे कि जब भी आपको कोई इशू है, टेक्निकल है, खुदा ना खासा ना करे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, खुदा ना खासा कोई और इशू है, ठीक है, तो आप राइट वे बच्चे इन्फॉर्म करने की अपनी आदत बनाए ताकि ऑन द रिकॉर्ड आ जाए कि इस बच्चे ने, अब बाद में बहाना नहीं खड़ा, मेरे पास भी रिकॉर्ड होना कि मैं इस बच्चे को फेवर कर रही तो उसकी ये रीजन थी, ठीक है। बस आपने मुझे राइट अवे इन्फॉर्म करना है, बट एवर कोई भी इशू है आप मुझसे पूछें, गूगल क्लासरूम में भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट वाले सेक्शन में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्राइवेट क्वेश्चन वहां पर होता है आप वो कर सकते हैं, बट एवर उसको आप देखते हैं जी। तो बच्चा हम ये बात कर रहे थे कि हम ये 0 1 जो लेते हैं, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी की बात की कि हम उसको ऑन ऑफ की टर्म में लेते हैं। हमें समझ आता है ना कि ऑन का क्या मतलब है, ऑफ का क्या मतलब है, तो समझे कि मैं ऑन को, अब मैं कंप्यूटर को क्या समझा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। हम दोनों चूंकि एक उसके हमारी लॉजिक में ये कि हमने एक इन्वायरमेंट से चूंकि सीखा है ना, तो हम बात में जो ऑन कहती हूँ तो सब लोगों को उसकी लॉजिक समझ आती है कि मैं ऑन से मेरी क्या मुराद है। जब मैं कहती हूँ आपकी बिजली जो है वो ऑफ है, मैडम हमारी लाइट ऑफ हो गई है, तो मैं ये नहीं पूछूंगी क्या मतलब ऑफ से आपकी क्या मुराद है, ऑफ के बच्चे बहुत से मीनिंग निकलते हैं, हम ये नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो हम इसी जगह पे रहते हुए एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे उसको हम समझ पाते हैं। कुछ बच्चों के जो मैसेज है ना बच्चा, वो शो नहीं होते मेरे पास, पता नहीं मुझे उनको अलाउ करना पड़ता है हर बार, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका हो गया। तो अब आपका कंप्यूटर अगर कहूँगी ये ऑन है और ये ऑफ है तो उसको क्या समझे, मुझे उसको कुछ कोई अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि मेरी इस ये जो स्टेटमेंट है, अब वो बातें नहीं, वो स्टेटमेंट को नहीं समझता, अगर बहुत लंबी लंबी आप करते हैं तो मैं उसको जो भी चीज देती हूँ मैं इसके बारे में उसको बताती हूँ,
ठीक है, जो कंप्यूटर के पास जो भी वो इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ वो समझता है, कुछ करता है, वो लॉजिक आप ही उसको देते हैं, वो अपने आप से तो नहीं करता ना कुछ भी। हाँ अगर अभी है कि आपने जिसको लॉजिक दे उसको मैनिपुलेट, आपने उसको करना सिखाया, ट्यून किया है, तो मैनिपुलेट कर सकता है उसको। तो हमारे पास क्या है, जो जीरो और वन है इसकी हम यहाँ पे स्लाइड में जो बाइनरी डिजिटल सिग्नल है इसकी हम कर रहे हैं, एनी इंफॉर्मेशन वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल क्वांटिटी, इस सिग्नल की बात हो रही है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है जीरो और वन की, वो ये है कि आपके पास या तो आप उसे कहते हैं कि जो जो मैंने तुम्हें स्टेटमेंट या वट एवर कोई भी चीज दी है, कोई सिग्नल है, इसका मतलब ट्रू है या फॉल्स है, या लो है या फिर आपके इसको हाई है, या आप कह सकते हैं ये एक इसका मतलब ऑन है और इसका मतलब ऑफ है, ठीक है जी। ये चीज हमारे पास होगी कि ये बच्चे जो हमने इस स्लाइड में डिस्कस किया है, ये सिंपल आपके पास एक डिस्कशन है कि आपको ये पता चल जाए कि हम जो जीरो वन कह रहे हैं ये 1 2 3 वाला 0 1 नहीं है, ये एक तरह से आपकी एक लॉजिक है जो आप आगे पास करते हैं, ठीक है जी। अच्छा उसके क्या कह रहे हैं वफादार मैम, लेक्चर के एंड पे हमारे लिए कोई नसीहत भी कर दे या कोई अच्छी बात। अच्छा जी अभी हम नंबर सिस्टम्स को देखेंगे बच्चे, ये आप लोगों ने चीज की हुई है इस चीज को, तो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं करना चाहते, अच्छी बात है, आपका टाइम लेक्चर का थोड़ा बच जाएगा कि अगर आप हम इसको जल्दी गो थ्रू करें, कि हम बहुत से नंबर सिस्टम्स हमने पहले भी किया, कुछ ऐसी भी चीजें हैं कुछ सिम्बल्स के साथ है, हर दौर में इंसान को एक्चुअली अपनी जरूरत के मुताबिक या अपनी सिविलाइजेशन के मुताबिक उसने कुछ ना कुछ नंबर जो सिस्टम थे उसके लिए तो उसने काम किया ही हुआ था। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे अपने जो बच्चे देखिए, हमें एक्चुअली जो हमारी डिस्कशन होती है, जो भी चीज़ हम बात कर रहे होते हैं, हमें उसका एंड पॉइंट पता होता है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर से हम में इंटरेस्टेड हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आके इस चीज़ को अपने उसी नंबर्स को यूज करेंगे जो हमारे आगे अपने सिस्टम के लिए हमारे यूज होने वाले हों, जो हमारे किसी काम आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेसिमल को देखते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमने अपनी जो भी ह्यूमन जोन्स हैं वो अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अपनी किसी भी चीज के लिए, अपनी किसी काउंट कीपिंग कुछ भी, आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, आप जो नंबर यूज करते हैं उनको हम डेसिमल कहते हैं। डेसिमल नंबर की जो बेस होती है दैट इज 10। इसका ये मतलब है कि यू नीड टू 10 डिफरेंट सिंबल्स आर डिजिट्स टू रिप्रेजेंट दिस नंबर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें जीरो चूंकि इंक्लूडेड होता है, इस वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम एंड करता है 9 पे। हम कहते हैं 10 बेस है तो 10 पे एंड करना चाहिए, लेकिन हम चूंकि 1 से स्टार्ट नहीं करते, 0 को हम इंक्लूड करते हैं, तो कॉम्बिनेशन से 10 बन जाता है फिर हमारे पास बाद में। तो ये जो है आपको जो आपकी बेस है वो बताती है कि आपको कितने नंबर्स या डिजिट्स या फिर सिंबल्स कहना चाहिए। अब सिंबल्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग फिर हो जाती है ना चीज़ों के साथ, आपको चाहिए। तो डेसिमल में आपको 10 चाहिए हैं, बाइनरी में आपको ऑफकोर्स 2 चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बच्चे रेडिस आपकी बेस होती है कि कितने नंबर आपको चाहिए इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऊपर लिखा हुआ है द रेडिस आर बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड इन द सिस्टम। वो सिस्टम कितने नंबर से कितने सिंबल से बिन के बनता है, या आपकी बेस या जो आपका रेडिक्स है वो इसको डिफाइन करता है। इसी तरह जो आर लिखा हुआ है ना आपके यहाँ पे, एक मिनट में कर से यहाँ पे, ये जो आर है आपका, ये बेसिकली आपका रेडिक्स है ना, ऊपर यही चीज लिखी हुई है। अगर आप साइड को पढ़ें आपको नजर आ रही हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बेस की बात कर रही हूँ, रेडिक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। ये डेसिमल में आपका 10 है, बाइनरी में आपका 2 है, और इसी तरह से ऑक्टल में आपका 8 है, ठीक है जी। और एक और चीज हम यूज करते हैं दैट इज हेक्साडेसिमल, दैट इज उसमें जो आपकी बेस है दैट इज 16, ठीक है जी। अब 16 में क्या होता है, पहले तो वही 9 डिजिट आपके पास आएंगे, सिंबल्स आएंगे जो कि डेसिमल में थे। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, अब 10 को मैंने कह दिया है कि ये ए है, अगर आप नंबर्स में इसको लिखना चाहेंगे तो ए, उसने 10 नहीं लिखा, ये उसकी लैंग्वेज की अपनी रिप्रेजेंटेशन है, वो 10 नहीं लिखेगा, वो इसको ए लिखेगा, ठीक है जी। लेकिन आपको पता है कि 9 के बाद क्या होता है, 10 होता है, तो ए इज इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद आपका क्या है, बी है, सी डी ई एफ है, तो ये कहाँ पे एंड करेगा, एफ जोन से। एफ की क्या वैल्यू होगी बच्चे, आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ अगर ए जोन से वो आपका 10 है। जी एफ की क्या वैल्यू होनी चाहिए,
देखिए ये जो चीज़ है ना 15, ये आपको काउंट किए बगैर भी पता चलनी चाहिए कि एफ जोन्स या 15 होगी। उसकी रीज़न ये है कि कॉमन सेंस आप अपने यूज़ करते हैं, 16 नहीं हो सकती है, 15 इसलिए होगी कि हमें पता है कि हमने जीरो को इंक्लूड किया हुआ है। अब लिखना बंद करें और मेरी बात सुने क्या, आर इज इक्वल टू 16 है, ठीक है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर टोटल 16 आपको सिंबल्स चाहिए, लेकिन एज वी हैव इंक्लूडेड जीरो एज वेल, तो जीरो की वजह से क्या होगा, आपका जो लास्ट नंबर होगा जो वो आर था वो आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आर है आपका 16, बिकॉज ऑफ दिस जीरो सिंबल आपका आर, जो मैं कहूं कि एफ की लास्ट जो डिजिट है उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट शुड बी आर माइनस वन। एट में देखें लास्ट में क्या आ रहा है, 7, बाइनरी में 2 है लास्ट में क्या आ रहा है, 1, डेसिमल में 10 है लास्ट में क्या आ रहा है, 9। तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस जीरो आपका जो लास्ट वाला सिंबल होगा दैट इज आर माइनस वन, आर इज 16, तो लास्ट वाला आपका आ जाएगा 15। ठीक है जी, सब लोगों का आई होप कि ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पे क्या आएगा आपको, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप पहले इसको करें, काउंट करें और फिर आप इसको करें। अच्छा जी, नंबर रिप्रेजेंटेशन में आपके पास दो तरह के नंबर को हम करते हैं, एक को हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं क्योंकि उसमें इंटीजर आते हैं, 1, 2, 3, 4 बट कुछ भी आ जाए। उसके अलावा हम यहाँ पे, चूंकि आपको पता है कि डेसिमल जो हमारा पॉइंट होता है उसको भी हम यूज करते हैं कि 1, 2, 3, 0.45 है, तो एक हम ऑफकोर्स बच्ची फ्रैक्शन हो, जो जो पॉइंट के ऑनवर्ड चीजें आती हैं आपको पता है कि ये फ्रैक्शन होता है जो इससे पहले वाले आ रहे हैं, तो इसी तरह से हम अब नंबर को हम डिस्क्राइब करते हैं। एक्चुअली नंबर्स को हम जानते हैं लेकिन ये कि हम इनको अब शायद पहली बार देख रहे हैं कि हम इनको किस तरह से करते हैं, कि आप ये भी कर सकते हैं कि ये एक इंटेग्रल पार्ट हो गया और जो पॉइंट के बाद वाली चीजें होती हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि जो आपके पास नंबर सिस्टम, हम अगर डेसिमल को देखें कि हम इसको डेसिमल को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने ये नहीं देखा कि इसकी जो एनिमेशन है इसकी आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा शायद आपको क्रिश सा फील होगा, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम उसको फिर रिमूव कर लूंगी। अभी मैं अगर इसको बंद करूँ तो मेरी आवाज़ भी आपके बंद हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, ये वो नंबर है जिनको बच्चे आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। अब आपने क्या, तो मैं इसको जरा एक दो साल ये क्रिश क्रिश ओ ओ मुझे प्रीवियस पे जाना है। ठीक है जी, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपके पास एक नंबर, इस नंबर को आप बच्चे पहचानते हैं, हम सिर्फ अब इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं ताकि हम बाकी नंबर के साथ इसका कंपैरिजन बनाएं, तो किस तरह से बना सकते हैं। आपके पास एक नंबर है, ये नंबर देखें 512.74, ठीक है जी। अब आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि पोजिशनल होते हैं, ठीक है। अब आपका जो इंटेग्रल पार्ट होता है उसके आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और जो आपकी पहली पोजिशन होगी वो होती है जीरो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर यहाँ पे 10 क्यों लिखा हुआ है, ये वाला ये 10 क्यों आया, कुछ और भी तो आ सकता था यहाँ पे, व्हाई वी हैव 10 ओवर हियर 012 के साथ। आप लोग बहुत ज्यादा शायद मैसेज पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जब आप किसी भी नंबर की पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये पोजीशनल नंबर है, तो बच्चे बच्चे ये मैंने गिवन दिया ना, आपको बताया है कि ये एक नंबर है आपके पास, तो आप उसको किस तरह से लेते हैं, कोई कोई वैसे नहीं है कि कैसे से मुराद मुझे नहीं पता, ये हमने एग्जाम्पल लिया, हम इस नंबर को एक्चुअली समझना चाह रहे हैं। मैंने आपको एक नंबर दिया तो आप उसको किस तरह से लेते हैं। एग्जैक्टली जी, बैक बेस 10 की वजह से यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, ये 0, मैं अभी इसकी पोजिशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि ये पोजिशन इसकी क्या बनती है, ये मैं इसको 5 को क्या कहूँ, ये 500 है या 5000 है, तो ये मुझे इस चीज इसकी पोजिशन से पता चलेगा। ये पॉइंट्स में आ गया तो ऑफ कोर्स ये आपको पता है फ्रैक्शन का, आप किस तरह से अगर आपके पास 0.7 है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, ये डिवाइडेड उसके चला जाता है ना, 0.10 से आप उसको डिवाइड करते हैं, 10 से -1 इसकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे इसकी जो पोजिशनल वैल्यू है बच्चे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये जो चीज, ये इस वक्त आप हम यहाँ पर इनकी पोजिशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये डिजिट पोजिशन लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक आपके पास इंटीजर पार्ट है, एक आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। और अब आप इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, 10^01, 10^1 इज इक्वल टू 10 और 10^2 इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे इसका 10^-1 का मतलब होता है 0.1, इसका क्या मतलब है 0.02,
ठीक है, ये बच्चे अभी इनकी ये पोजीशन है कि ये किस पोजीशन पे पड़ा है, ये किस पोजीशन पे पड़ा है। जब आप इसको अपनी पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब आपने ये उसकी पोजीशन है, ये उसकी वैल्यू है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या पता चला कि ये क्या बन गया है, 500 है ये। ठीक है, इसी तरह से बच्चे आपको थोड़ा सा डेसिमल इसलिए ऑकवर्ड लगता है ना उसकी डिस्कशन, क्योंकि मुझे तो पहले ही पता है ये 512 है क्योंकि मेरे हमारे यूज में है ना ये, तो इसलिए। लेकिन हम ये सपोज करते हैं कि मुझे नहीं पता कि 512 को मैं क्या कहूं, तो हम उसको मुझे कैसे पता है कि ये 512 है, वो इस तरह से है, ये उसके पीछे उसका सारा मैकेनिज्म है जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 500 है। जी आसिम, मैं ये बताने की बच्चे कोशिश कर रही हूँ कि जो नंबर की हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अब आपके सामने लिखा हुआ है 512, हर बंदे इसको पढ़ेगा 512, अगर मैं कहूंगा इकट्ठा एक, एक एक है ना, तो ये 512 कैसे बना है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका आ, 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 कोई कायदा होगा ना, उसका कोई रूल होगा कि जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं, वो चूंकि वो हमारे इतने ज्यादा यूज में है कि हम उसको फौरन समझ जाते हैं कि 512 होगा, लेकिन 512 बना कैसे है, मैं बच्चे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि इसकी पोजीशन क्या है, 500 है, इसकी पोजीशन 10 है, इसकी पोजीशन 2 है, दैट्स वाई हमसे कहते हैं 512, 10 जमा 2 12 हो जाता है ना। ठीक है, और यहाँ पे 0.7 है, 0.1 को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको 0.0 से किया तो 0.04 जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी पहले हमने इनको डिवाइड किया है फ्रैक्शनल में और उसमें इंटीजर में, फिर हमने इनका वेट फाइंड आउट किया कि बेस उसके ऊपर उनकी पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन, अगर मैं यहाँ पे ये नंबर कहूँ जो नंबर आपके पास गिवन है, लेट्स सपोज ये ऑक्टल है, क्योंकि ऑक्टल में देखें तो यही सिंबल यूज होंगे सारे के सारे, तो यहाँ पे बेस में आप क्या करेंगे, 10 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, और बाकी सारी कार्रवाई वही चलेगी, एट द एंड आपको पता चल जाएगा कि ये आपका नंबर है और ये आपने साथ में उसकी बेस लिखी हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जस्ट हमने बताया है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से, अंडरस्टैंडिंग का हमारा एक्चुअली रूल क्या है, जो हमने अपनी प्रैक्टिस से सीख लिया, लेकिन उसका रूल क्या है, हम इस चीज को, ये जो आपके पास पोजिशन फाइंड आउट करते हैं इसको हम कहते हैं जी इसका वेट है। ठीक है, ये जस्ट हमने उनको थोड़ा सा तोड़ा है इसलिए कि हम चीजों को समझ सकें। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड से मुराद है कि इसकी वैल्यू क्या है ना, उसको मैग्नीट्यूड हम कहते हैं, कि डिजिट जो भी आपका डिजिट था ये 5 था, उसके साथ आप उसका वेट लगा दें, वेट कहाँ से आया था, आपकी पोजिशन से आया था। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन गया कि किस तरह से अब हम उसको, हमारे पास फॉर्मल नोटेशन की क्या बनती है कि हम क्या कहेंगे, जो भी आपका नंबर है उसको आप उसकी इस चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये वही चीज है, ये इस वाली चीज को नीचे इसके साथ किया गया है कि अगर आप इसको वो करना चाहते हैं, जनरलाइज करना चाहें तो इस तरह से आप करते हैं, तो ये आपके पास एक फॉर्मल नोटेशन आ जाती है जिसपे हम डेसिमल को लिखते हैं। लेकिन होता क्या है, होना तो ये चाहिए ना कि हम इसको इस तरह से करके हर डेसिमल नंबर के साथ ही हम ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पर नीचे 10 लिखें, लेकिन चूंकि हम नॉर्मल अपने डेसिमल को यूज करते हैं, तो जब तक कोई चीज ये वाली ये बेस अगर मेंशन ना हो तो हम उस नंबर को डेसिमल ही लेते हैं, यही हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ, क्योंकि ये जो नंबर है अगर आप देखें, इसमें सारे वो नंबर है जो ऑक्टल के हैं, जो कि हेक्साडेसिमल में भी यूज हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं तो फॉर श्योर देन दिस नंबर विल बी इन ऑक्टल नंबर सिस्टम चला जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूं तो ये हेक्साडेसिमल का नंबर होगा। अगर मैंने कुछ नहीं, अब तो अगर 10 लिखा हुआ है, हम लिखते हैं डेसिमल को, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, फॉर्मल नोटेशन है, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम नॉर्मली उसको क्या लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है जी, ये चीजें बच्चे आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, इसलिए इस पे इतना ज्यादा वो टाइम या वो क्वेश्चन नहीं करें, अगर आपको चीजें क्लियर हैं उससे आपका भी टाइम बच जाएगा। इसी तरह से ऑक्टल का आ जाएगा, ऑक्टल वाली चीज को आप पढ़ेंगे समझेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम हमने ऑक्टल के साथ करना है जो हमने डेसिमल के साथ किया है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, आप इसका वेट फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको असाइनमेंट में कुछ चीजें दे दूंगी जिन पे आपको कुछ नंबर होंगे, उन नंबर्स को आपने क्या करना है, फिर अपने पास उनको इसी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है, ये भी आपकी असाइनमेंट में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी आपके पास अपने मोबाइल को आप देखें, अभी रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएगी तो फिर आप क्लियरली इस चीजों को देख सकेंगे। दूसरी बात है कि ये स्लाइड जो सी है मैं ऑलरेडी बच्चा अपलोड कर चुकी हूँ,
आप गूगल क्लासरूम में भी तो कुछ देखा करें ना, सारी चीज आप समझते हैं कि यहाँ पर आके नहीं हो सकती, आपने ये करना है गूगल क्लासरूम में जाके आप देखें कि आपके पास ये स्लाइड आई हुई है। अब मैं आपको बता दिया कि अच्छा इस स्लाइड पे मैंने ये डिस्कशन किया, अब आप क्या करें, आप अपनी स्लाइड्स को गूगल क्लासरूम से अपने पास डाउनलोड करें या व्हाटएवर जैसे भी आप उसको देखना है वहां से जाके आप इनको देखिए। मैं आपको कुछ नंबर और सेंड करती हूँ जिनकी आप इसी तरह से यही रिप्रेजेंटेशन आप उनकी बनाए, तो आपका फिर ये क्लियर हो जाएगा। हाँ बच्चे हो तो रहा है, 3 असाइनमेंट हो गए, लेकिन पहले 3 वीक से आप रिलैक्स भी तो फिर रहे हैं ना, आप थोड़ा काम भी तो करना चाहिए ना हमें, ठीक है? तो छोटी छोटी असाइनमेंट से सारे आपके किए हुए काम है, कौन सा कोई बड़ी हम चीजें करें, दो चार नंबर हैं आप उनकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ये पूरा वीक समझिए कि इसी तरह का काम। कल हम थोड़ा सा जो भी नेक्स्ट लेक्चर में अभी आपको बाद में बताऊंगी उसमें हम लॉजिक गेट्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तो ये इसी वीक की आपकी इतनी सी असाइनमेंट होगी, कोई बड़ी नहीं है ये, लेकिन आप थोड़ी मेहनत भी करें। अच्छा जी, इन चीजों को आप थोड़ा देखेंगे तो हम फिर इसको नेक्स्ट अपना, अभी मेरे ख्याल में इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप उसको देख लें, हो सकता है कि मैं कल एक लेक्चर लूँ, लेकिन बच्चे मैं आपको शाम तक जरूर आज ही दिन में उसकी ईमेल कर दूंगी कि कल का हमारा क्या प्लान है, ठीक है जी? अभी आप इन चीजों को देखें, इन जो नंबर हैं इनको आपने किस तरह से इस फॉर्म में लिखना है इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसके फिर बाद में मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हमने क्या काम करना है, ठीक है जी? अभी के लिए बच्चे इतना ही काफी है, जो प्रॉब्लम जो चीजें आपको इश्यूज हो वो काइंडली आप मुझे क्या करें कि एक ना ईमेल कर दें, और मैं गूगल क्लासरूम में भी अभी इसकी जो उनसे वो स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, तो वहां पे भी फिर आप उसमें अपने जो प्रॉब्लम है वो डिस्कशन बोर्ड में लिख सकेंगे, ठीक है जी? ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।